वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा आपकी स्क्रीन पर। यह है प्रतापगढ़ के दबंग और कुंडा के बेताज बादशाह राजा भैया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि कल उनके कार्यकर्ताओं को राजा भैया के लोगों ने अगवा किया, किडनैप किया। भाई साहब, 2022 के चुनावों में भी ऐसी हरकतें हो रही हैं, मानो नेटफ्लिक्स का कोई वेब सीरीज चल रहा हो। जी हां, किडनैप किया गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके इस प्रत्याशी के जैकेट पर खून के धब्बे हैं, बेरहमी से उनकी पिटाई की गई है। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल राजा भैया और समाजवादी पार्टी में किस तरह का संघर्ष हुआ। और राजा भैया के जो कार्यकर्ता थे, गुंडे तो नहीं कहूंगा, जो कार्यकर्ता थे, संस्कारी कार्यकर्ता थे, उन्होंने किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा, देखिए वीडियो। यहाँ पे राजा भैया खुद आके उठा ले गए, रैयापुर बूथ पे खुद दबंग हो रहा है, राजा भैया खुद आके उठा के ले जा रहे हैं, हमारे राकेश पासी को यहाँ पे ले जाके जबरदस्ती मारा पीटा गया है। और अब दोस्तों, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस एफआईआर में क्या कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। थाना अध्यक्ष महोदय, कोतवाली कुंडा प्रतापगढ़, आज मैं राकेश कुमार पासी, मैं बूथ रैयापुर समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट था, तभी बूथ पर जनसत्ता के बूथ एजेंट टिंकू सिंह सन ऑफ भोला रैयापुर गांव का किसी को फोन आया और बोला कि राकेश को बूथ से हटवाओ, नहीं तो जनसत्ता को वोट नहीं पड़ पाएगा, नहीं बूथ कैप्चर हो पाएगा। तभी कुछ समय बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, सुभाष सिंह, गोपाल केसरवानी अपने 15 समर्थकों के आए के साथ आए और मुझे गाड़ी में भर कर ले गए, बहुत मारे पीटे, जाति सूचक टिप्पणी की, खुलेआम इस तरह से हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तहत काम करने वाला चुनाव आयोग क्या सो रहा है? उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या सो रहा है? क्योंकि अब तो पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत आ रहा है ना। अगर इस तरह से अगवा किया गया, जिस पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो मैं ये समझना चाहता हूं कि यह सब कैसे हो रहा है। क्या तमाम जगहों पर इसी तरह से चुनावों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है? और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के तेवर भी बहुत उग्र हो गए हैं। आप इन बयानों में देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने जो बयान दिए हैं, इसमें वो लगातार रघुराज प्रताप सिंह को गुंडा बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो तमाम लोगों का हिसाब होगा, इंसाफ होगा। यकीनन दोस्तों, संघर्ष बहुत गंभीर है और उसको दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब इन चुनावों में बालाकोट का भी प्रवेश हो गया है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों का भी प्रवेश हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाकोट के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, जबकि आप सब जानते हैं कि अब भी हमारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की हिम्मत को दाद देना चाहूंगा कि वो इस मुद्दे पर वोट्स मांग रहे हैं। कमाल है मोदी जी, सुनिए। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। तो देखा, अब भी 18,000 भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, उन्हें ढेरों दिक्कतें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में उनके नाम पर वोट्स हासिल कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अजीबोगरीब बात है। हालांकि मुझे हैरत नहीं है दोस्तों, क्यों बताता हूं मैं आपको, क्योंकि जो इनका पालतू और प्रचार मीडिया जो है ना, ये लोग जो है
उन जो फंसे हुए भारतीयों की दुर्दशा आप तक थोड़ा ना पहुंचाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री को लगता है कि बच्चों को ना निकाल पाने के बावजूद वो इस मुद्दे पर वोट्स मांग सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बालाकोट हमले का भी जिक्र किया, यानी कि आप जानते हैं कि पुलवामा के जवाब में जब हमारे भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट पर हमला किया था, उस पर भी वोट्स मांगे जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पुलवामा में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आप सब जानते हैं दोस्तों कि उस हमले से पहले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 बार चेतावनी आई थी कि ऐसा हमला हो सकता है। फ्रंटलाइन ने बाकायदा एक खबर की थी इस मुद्दे पर, मगर प्रधानमंत्री फिर भी इस मुद्दे पर वोट्स मांग रहे हैं, कमाल साहब। और वो भी 3 साल बाद, जबकि आपको याद होगा कि उस वक्त भी चुनाव आयोग ने कहा था कि पुलवामा के मुद्दे पर वोट्स नहीं मांगे जाएंगे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच जाके कहा था कि क्या आपका पहला वोट मिल सकता है क्या। याद है आपको उनका बयान, सुनिए वो बयान फिर से। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? तो प्रधानमंत्री उस वक्त बालाकोट पर वोट मांगते हुए, और आज भी दोस्तों कुछ बदला नहीं है, आज भी वो बालाकोट और पुलवामा के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। यानी कि अब राष्ट्रवाद का, सुरक्षा का, तमाम चीजों का प्रवेश हो चुका है चुनावों में। प्रधानमंत्री ने कल बालाकोट पर किस तरह से वोट मांगे, आप भी देखिए। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था, याद है ना? याद है ना? तो एक तरफ बीजेपी बालाकोट के मुद्दे पर वोट मांग रही है, दूसरी तरफ इनका जो पालतू मीडिया है वो पूरी तरह से इनके प्रचार में लग गया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इसमें आप देख सकते हैं काफी विमान आसपास खड़े हुए हैं, और इनमें से एक विमान बीच में उस जगह पर जा रहा है जो कि एक खाली स्पेस है, बताया जा रहा है ये यूक्रेन है। मगर दरअसल ये तस्वीर एक मीम है, एक मजाक जैसी चीज है। इसमें यह बताया जा रहा था कि देखिए कोई भी विमान यूक्रेन में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, मगर एयर इंडिया जो है वो घुसने की हिम्मत कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 के एंकर ने इस पर खबर बना दी, रिपब्लिक इस सरकार का सबसे पालतू न्यूज चैनल, उन्होंने उस पर खबर उतार दी। देखिए दोनों खबरें, पहले तो उस एंकर को देखिए साहब, इसने बाद में शर्मिंदा होके इसे डिलीट कर दिया, इसे हटा दिया। मगर अब रिपब्लिक को देखिए, उन्होंने एक मजाक, एक मीम पर खबर बना दी साहब। सच और कल्पना के बीच का तो फर्क ही नहीं रहा। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां जन संचार जो है ना, उसे हथियार बना लिया गया, वेपनाइज कर लिया गया है। किन लोगों के खिलाफ? विपक्ष के खिलाफ, अपने ही नागरिकों के खिलाफ, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो इस सरकार के आलोचक हैं, जो इस सरकार से सवाल करते हैं। और उसमें साधन होता है इस तरह का मीडिया जो इस तरह का प्रचार चलाता है। समझिए इन बातों को, मैंने बार बार कहा है, फिर दोहराना चाहूंगा, ये गोदी मीडिया कैंसर है। एक पुरानी कहावत है, एक राक्षस की जान उसके तोते में थी। आप समझ जाइए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।